गुरुदेव, देवता हमें अमृत का लोभ दे रहे हैं। महाराज बलि, इनके लोभ के जाल में मत फंसिए। ये देवता हमारे पास इसलिए आए हैं क्योंकि इन्हें समुद्र मंथन के लिए असुरों की अपार शक्ति की आवश्यकता है, किंतु जब समय आएगा तो अमृत की एक बूंद भी असुरों को नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होगा महर्षि। समुद्र मंथन के शुभ कार्य में जो भी प्रजातियां भाग लेंगी, उन सबके बीच में समुद्र के गर्भ में जो चीज भी प्रकट होगी वो सब बराबर मात्रा में बांटी जाएगी। किंतु महाराज, असुरों को अमृत की क्या आवश्यकता है? हम असुरों के पास मैं हूं शुक्राचार्य। यदि किसी भी असुर की मृत्यु होती है तो मैं उसे अपनी संजीवनी विद्या से एक क्षण में पुनः जीवित कर सकता हूं। गुरुदेव उचित कह रहे हैं बलि। विष्णु की माया से असुरों का हित हो ऐसा संभव नहीं। मैं तो कहती इसी क्षण इन देवताओं को यहां से भेज दो। ये सत्य है कि इस समय देवताओं को अमृत की आवश्यकता अधिक है, पर फिर भी ये सब आपके पास प्रस्ताव लेकर आए हैं क्योंकि नारायण की यही इच्छा है। फिर भी यदि आप समुद्र मंथन में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं, तो स्मरण रखिएगा, यदि देवताओं को अन्य प्रजातियों की सहायता से अमृत की प्राप्ति हो गई तो ये भी अमर हो जाएंगे और तब इन्हें मृत्यु के बाद फिर से जीवित होने के लिए ना ही अपने गुरु मंत्रों की आवश्यकता होगी और ना ही किसी विशेष विद्या की व्यवस्था की। और आप सब असुरों को सदैव अपने गुरु पर निर्भर रहना होगा। विचार कीजिए असुरराज, तब क्या होगा जब गुरु शुक्राचार्य आपके निकट नहीं होंगे, जब ये कहीं तपस्या के लिए दूर निकल जाएं और कोई पक्षी गजासुर और सिंहमुखम जैसे विकट असुरों को जीवित ही निकल जाए। आवश्यकता से अधिक विचार वो जाल है महाराज, जिसमें व्यक्ति स्वयं उलझ के रह जाता है। ये षड्यंत्र है, पहचानिए इसे। नारद मुनि संसार के सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं में से एक हैं। इनके शब्दों के प्रभाव में मत आइए। क्षमा कीजिए गुरुदेव, पर इनके शब्दों में केवल प्रभाव ही नहीं अर्थ भी है, और उस अर्थ को मैं अच्छी तरह समझ पा रहा हूं। सारा अमृत देवताओं को मिल जाए, असुरों की सुरक्षा के लिए मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। यदि समुद्र मंथन ही एकमात्र उपाय है जिसके माध्यम से असुरों को अमृत का अंश मिल सकता है तो यही सही है। हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे देवराज। हम असुर समुद्र मंथन में अवश्य भाग लेंगे। मैं असुरराज बलि वचन देता हूं। तो मैं देवराज इंद्र भी आपको वचन देता हूं असुरराज कि जब तक ये शुभ कार्य संपन्न नहीं हो जाता तब तक हम सारे देव अपने मन में असुरों के लिए कोई भी द्वेष नहीं रखेंगे और आप सबको पूर्ण सहयोग भी प्रदान करेंगे।
प्रभु, अब तो देवताओं असुरों की संधि हो चुकी है, अब समुद्र मंथन प्रारंभ हो सकता है। असुर सम्राट बलि ने शुक्राचार्य का सुझाव ना मानकर बहुत बड़ी भूल की है शेष। कैसी भूल प्रभु? यदि गुरु का अनादर करके कोई भी कार्य किया जाए तो सफलता नहीं मिलती, केवल पतन होता। अब तो बस एक ही आशा है, इससे पहले कि बहुत देर हो बलि को अपनी भूल का आभास हो जाए और वो उसे सुधार ले, अन्यथा। अभी तक तो माँ ने उस बुड्ढे को चाबुक मार मार कर भागने पर विवश कर दिया होगा। बुड्ढा तो इतना दुर्बल है कि चाबुक देखते ही भयभीत हो गया होगा। दंड तो विमाता विंता को मिल रहा होगा, चाबुक की मार की कल्पना कर तक तू सट सट सट। गरुड़ जहाँ कहीं भी होगा अपनी माँ की चित्कार सुनकर कितना तड़प रहा होगा। माँ 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 दूंगी मैं। चिंता फिर से मुझे मूर्ख बना दे और मैं देखती रह जाऊं। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। भले ही तुमने मुझसे छुपाया है कि वो पूरा कौन है, मैं जान कर रहूंगी वो क्या कर रहा है। प्रभु, अब जब संधि हो गई है तो आपकी योजना का अगला पड़ाव क्या होगा? गरुड़ कहाँ है? जी प्रभु, वो क्या छुपा रहे हो तुम शेष? क्षमा कीजिए प्रभु, मैंने उसे मना भी किया था परंतु वो ठान चुका था। क्या करने से मना किया था शेष? और गरुड़ कहाँ है? लगता है बाबा को उठने में अभी समय लगेगा, तब तक मैं महल के सारे कार्य समाप्त कर लेती हूँ। फिर उनके लिए चंदन और पुष्पों का लेप बना दूंगी ताकि उनके तन से आने वाली गंध थोड़ी कम हो जाए। महारानी, आप इतनी शीघ्र उठ गई? गरुड़, कहाँ गए थे तुम? क्षमा कीजिए प्रभु, मैंने आपकी इच्छा के विपरीत कार्य किया है, परंतु मुझे करना पड़ा प्रभु। ऐसे कष्ट की अवस्था में देख नहीं पाया और मैंने क्या क्या किया है तुमने गरुड़? मैं माता लक्ष्मी के दर्शन करने गया था, अभी उन्हीं से भेंट करके आ रहा हूं।
ये तुमने क्या किया गरुड़? क्यों तोड़े तुमने मेरे बनाए हुए नियम? क्यों गए तुम देवी लक्ष्मी से भेंट करने? क्या सोचा था तुमने कि ये सब सुनकर मुझे प्रसन्नता होगी? तुम्हें पता कि विरह की सबसे अधिक पीड़ा कब होती? जब प्रिय और प्रेम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, तब नहीं। जब दोनों एक दूसरे से दूर रहने के लिए विवश हो, तब भी नहीं। विरह की पीड़ा असहनीय तब होती जब विरह की समय सीमा समाप्त होने के बाद मिलन के लिए दोनों एक दूसरे के पास लौट रहे, जब पग आगे नहीं बढ़ पाते और हृदय और भी तीव्र गति से धड़कने लगता। गरुड़, अभी तो केवल देव और दानवों के बीच में संधि हुई, समुद्र मंथन के लिए कितना कुछ करना शेष है, न जाने उस समय कितना समय लग जाएगा। और तुमने अभी से देवी लक्ष्मी को सूचित कर दिया, उनकी आशाएं कितनी बढ़ चुकी होंगी। उन्होंने शीघ्र ही वैकुंठ लौटने का स्वप्न संजो लिया होगा। ऐसे में यदि किसी भी कारण से मैं अपने लक्ष्य में असफल रहा तो इनका हृदय चकनाचूर हो जाएगा। तब मैं क्या करूंगा गरुड़? कैसे संभालूंगा मैं स्वयं को? तुम्हें आभास भी है तुमने कितनी बड़ी मूर्खता की है गरुड़? हाँ भैया, मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की है, पर यदि मेरी इस मूर्खता से मैंने अपने परम पिता का संदेश मां तक और मां का संदेश परम पिता तक पहुंचा पाया, मैं ये मूर्खता बार बार करूंगा। लक्ष्मी का संदेश? बहुत चिंता हो रही है मेरी। अधिक स्वांग करने की आवश्यकता नहीं है तुझे, सब जानती हूं मैं। तुझे क्या लगता है तू मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करेगी, मेरे विरुद्ध योजना बनाएगी? योजना, षड्यंत्र, ये आप क्या कह रही हैं महाराज? कौन है वो? कौन है वो मायावी जिसे तूने अपनी कुटिया के अंदर छुपा के रखा है? ये मां ने भेजी है आपके लिए। स्वामी, मैं तो कहती हूँ क्यों ना हम दोनों ही एक एक पायल की रचना करें, देख तो ले कि हम दोनों की सोच एक दूसरे के समान है भी या नहीं।
इस पायल को हृदय से लगाकर लग रहा है जैसे हमारे प्राण लौट आए, स्वयं देवी लक्ष्मी लौट आई। मायावी नहीं महारानी, वो बस एक असहाय रोगी। असहाय? कितना असहाय है वो, मैं स्वयं अनुभव कर चुकी हूं। तूने साहस भी कैसे किया, मेरी बिना आज्ञा के तू एक मार्ग के भिक्षुक को मेरे महल के अंदर लाके बिठा देगी? इसीलिए उस दिन तू मुझे कथा सुना रही थी ना, क्योंकि तुझे झूठ बोलने क्या क्या मिल जाए। मुझे क्षमा कर दीजिए, तेरे दंड का निर्णय मैं बाद में लूंगी। इसी क्षण जा और उसे मेरे महल की परिधि से कम एक कूस दूर बाहर फेंक करो। मैं बाबा को लौट जाने के लिए कैसे कहूँ, कहाँ जाएंगे वो, अपना ध्यान कैसे रखेंगे? मैं ऐसा नहीं कर सकती महारानी। गरुड़, मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने ऐसा दुस्साहसी कार्य किया है। मैंने तो कुछ नहीं किया है प्रभु, परंतु पायल तो तुम ही लाए हो। गरुड़, कहना क्या चाहते हो तुम? बस यही कि समस्त संसार में जो कुछ होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है। कभी कभी नियम बनाने वाला अपने ही नियमों के जाल में उलझ जाता है, किंतु तुमने अपने हठ से, अपनी मूर्खता से असंभव को भी संभव कर दिया है। गरुड़, तुमने मेरा नियम तोड़ा भी नहीं और प्रतीक के रूप में ही सही, तुम मेरी प्रिया, मेरी लक्ष्मी को मेरे निकट ले आए। विरह में मेरी दशा ऐसी हो गई थी कि देवी लक्ष्मी के अतिरिक्त मैं कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था। तुमने मुझे उस अवस्था से निकाल कर मेरे भीतर उत्साह का संचार कर दिया है गर्व। अब मैं वो भविष्य देख पा रहा हूं जिसमें शीघ्र ही वे मेरे साथ होंगे, मेरे निकट होंगे। प्रेम के इस छोटे से संदेश ने मुझ में इतनी प्रसन्नता, इतनी ऊर्जा भर दी है कि अचानक ही सब कुछ संभव लगने लगा है मुझे। सत्य तो यही कि आशा की वास्तविक आवश्यकता हमें ही थी और देवी लक्ष्मी से मिलकर वह आशा तुमने हमें दी है गर्व। मैं तो केवल माध्यम हूं प्रभु, ये लीला तो आप दोनों की ही है। ये सब हमारी लीला, ये कहकर तुम बच नहीं सकते। सत्य तो यही कि तुमने हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया और इसका दंड अब तुम्हें भोगना ही होगा।